हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माया क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में बेहद अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा बोगनविलिया का प्लांट। और फ्रेंड्स, आज जो इसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, तो मैं आज आपको इस प्लांट के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये जो हमारा प्लांट है बोगनविलिया का, इसमें कई वैरायटी आती हैं जिनकी जो लीव्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जो है अलग अलग तरीके की लीव्स होती हैं। कुछ बिल्कुल प्लेन ग्रीन कलर की होती हैं, कुछ इस तरह वेरिएटेड होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये पीला पीला, इसमें जो ये पोर्शन है इसका, इस तरीके से अलग अलग लीव्स में हमारा बोगनविलिया का प्लांट आता है। और मेरे पास एक और भी है, और वो अभी छोटा है थोड़ा काफ़ी, और वो बिल्कुल ऐसे ग्रीन कलर का है दोस्तों, और ये जो है वेरिएटेड है। और इसमें आप देख रहे हैं ये फ्लावर हैं, ये देखिए ये इसके फ्लावर हैं। तो आज जो बोगनविलिया के प्लांट्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ दोस्तों, वो है कि पहले तो इसको हमें फुल सनलाइट में रखना होता है दोस्तों। इसे धूप बहुत पसंद है इस प्लांट को, तो इसे किसी शेड में या किसी नेट के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। इसे जो है आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं, ये बिल्कुल धूप बहुत पसंद करता है ये प्लांट। आपने देखा होगा कि ये रोड के किनारे जो है काफ़ी लगाया जाता है ये प्लांट, रोड के किनारे किनारे ये प्लांट लगा हुआ रहता है, और वहाँ बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा होता है। तो इसीलिए, क्योंकि फुल धूप होती है और ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो इसलिए इसको धूप बहुत पसंद है। तो इसे किसी नेट की ज़रूरत नहीं है, इसे आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। मिट्टी इसको दोस्तों वेलड्रेन बनानी है हम लोगों को, जैसी मिट्टी हम तैयार करते हैं वही मिट्टी रखनी है, उसमें खाद, मिट्टी और रिवर सैंड भी हमें मिलाना है, ताकि उससे एक हमारी अच्छी मिट्टी तैयार हो चुके और हमारा प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर सके। और बात करते हैं दोस्तों इसके पानी की, तो पानी भी ऐसा नहीं है कि इसे बहुत अधिक पानी देना होता है, नहीं तो ये पानी देने के कारण दोस्तों, ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो ओवर वाटरिंग, कोई भी प्लांट हो दोस्तों, उनको पसंद नहीं होती है। ओवर वाटरिंग से जो हमारे प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसे भी बहुत अधिक पानी हमें नहीं देना है। आप देख रहे हैं इसकी भुरभुरी मिट्टी है, आप देख रहे हैं, तो इसी तरीके से इसका मिट्टी जो है इस तरीके से होनी चाहिए, गीली मिट्टी ऐसे नहीं होनी चाहिए इसकी। पानी इसे बहुत अधिक हमें नहीं देना है। और फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात करें दोस्तों, तो फर्टिलाइज़र आप इसे केले के जो छिलके होते हैं और बनाना पील्स, उसका फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है वो, तो उसका फर्टिलाइज़र आप तैयार करके अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, जिससे इसमें फूल बहुत अधिक मात्रा में आपके आएंगे, और इसीलिए आप बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैं अभी कट करूँगी, और ये आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये पोर्शन, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, फूल आके खिल चुका है और फूल इसका गिर चुका है, तो अब यहाँ पे दोबारा फूल जो है नहीं आएगा इस पर, अब जो है दोबारा फूल नहीं आएगा। तो ये जो है इसको हमें यहाँ से कट कर देना होगा, मैं अभी कट करूँगी तो आपके सामने अभी दिखाती हूँ। तो अब इस पे फूल नहीं आएगा इस तरीके से, ये कई जगह पर है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर अब ये फूल नहीं आएगा, तो ये हमें कट करना होगा। ये देखिए इस ब्रांच पे अब जो है, ये जो है फूल इस पर नहीं आएगा, तो हमें ये कट करना होगा। खाद दोस्तों, खाद जो हम देते हैं वो इसको दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट हम इसको दे सकते हैं, और बनाना पील का फर्टिलाइज़र तो है ही, वो भी हम दे सकते हैं, क्योंकि जो पील्स का फर्टिलाइज़र होता है दोस्तों, उसमें पोटैश की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो ये जो है बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा रहेगा हमारे बोगनविलिया के प्लांट्स के लिए। और दूसरा दोस्तों,
कटिंग इसकी ज़रूरी है। अगर हम इसी समय समय पे कटिंग करते रहेंगे तो होगा क्या दोस्तों कि इसमें से नई ब्रांचेस निकलेंगी और इसमें नई ब्रांचेस में जो है न्यू फ्लावर्स होंगे, तो इसलिए हमें इसकी कटिंग भी करते रहनी पड़ेगी। अगर हम इसकी कटिंग करते रहेंगे तो ये फ्लावर अच्छे से हमें देगा। तो आज मैं कुछ यही अपने प्लांट्स के साथ भी करने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और इसे दोस्तों गर्मी पसंद है तो गर्मी में आप इसे रख सकते हैं। सर्दियों में ये डोरमेंसी पीरियड पे होता है, इसके जो फ्लावर हैं वो जो ये लीव्स हैं ये थोड़ी झड़ जाती हैं, और ये समर में जो है अच्छी फ्लावरिंग देता है, लेकिन विंटर में ये डोरमेंसी पीरियड पे चला जाता है। और खाद महीने में एक बार इसे दे सकते हैं, चाहे आप खाद देते हैं वो दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए, किसी भी प्रकार की खाद आप इसे दे सकते हैं। महीने में एक बार आप दे दीजिए, और जब आप खाद दें दोस्तों तो उसके कुछ टाइम तक इसको पानी नहीं दीजिएगा, और खाद इसे आप महीने में एक बार चाहे वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, चाहे आप इसे गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है वो आप इसे दे सकते हैं। और इसको जो है दोस्तों मौसम के हिसाब से ही हमें जो है पानी वगैरह देना होता है। जैसे सर्दियां होती है दोस्तों, तो सर्दियों में क्या होता है कि पानी हमें प्लांट्स को बहुत अधिक नहीं देना होता है। गर्मियों में तो ज़रूरत होती है प्लांट्स को, लेकिन सर्दियों में प्लांट्स को पानी की ज़रूरत बहुत अधिक नहीं होती है। तो बस इन सब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है अपने प्लांट्स में, और समय समय पर इसको जो है खाद वगैरह देते रहना है। तो आज मैं थोड़ा सा यही सब इसके साथ प्लांट्स की कटिंग वगैरह थोड़ी करने लगी थी, थोड़ा खाद भी इसको देने लगी थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैंने वर्मी कंपोस्ट ये रखा हुआ है, मैं आज इसको यही देने जा रही हूँ। तो मैंने थोड़ी सी इसकी तरह इस तरह ये गुड़ाई हमें करनी होगी। ये देखिए आप देख रहे हैं कितनी भुरभुरी मिट्टी है इसकी, ये देखिए इसकी थोड़ी सी इस तरह हमें ऊपर उसे जो है गुड़ाई करनी पड़ती है दोस्तों। ये अगर हम इसकी गुड़ाई करते हैं, ये देखिए इस तरह हमें इसकी थोड़ी बहुत इस तरह गुड़ाई करके, और हमें इसको मैं आज इसे ये वर्मी कंपोस्ट देने वाली थी, और कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो वैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है दोस्तों, अगर आप इसे बहुत अच्छे से रखना चाहेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे तो इसमें गुच्छों में जो है फ्लावरिंग होती है। तो अब बरसात का सीज़न ख़त्म हो चुका है और इसे फर्टिलाइज़र मुझे देना था, तो मैंने कहा चलिए इसको फर्टिलाइज़र भी देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। ये देखिए इस तरह इसको इसमें जो है ये मैंने फर्टिलाइज़र जो है वर्मी कंपोस्ट सॉरी दोस्तों इसमें मैंने ये वर्मी कंपोस्ट इस तरह जो मैंने ये देखिए ये दे दिया है। ये देखिए देख रहे हैं दोस्तों, अब मैं इसे पानी आज नहीं दूंगी। और ये देखिए दोस्तों ये जो है इस तरीके से अब इसमें फ्लावर नहीं आएगा, तो ये जो है हमें यहाँ से इसको कट करना है। ये मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे ये यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर फ्लावर अब नहीं आएगा तो मैं इसको भी यहाँ से जो है कट कर रही हूँ। ये देखिए ये, और यहाँ पर भी दोस्तों फ्लावर आ चुका है, तो यहाँ पर भी अब ये फ्लावर नहीं आएगा तो ये भी मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों ये भी यहाँ पर भी फ्लावर आ चुका है। अब जो है इसमें ऐसा करने से दोस्तों इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी दोबारा से इसमें जो है, ये देखिए आप इस तरीके से अब इसमें फ्लावर आ चुका है इसकी, ये इसमें अब ये फ्लावर नहीं आएंगे इसमें, तो ये मैंने कट कर दिया है।
इसी तरीके से मैं इसको कट करूंगी आज। और बस यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों बोगनविलिया के लिए। और अगर मेरी जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।